हेलो दोस्तों, फाइनली राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम रिजल्ट 2024 को लेकर फाइनल अपडेट आ चुकी है। यानी जिसका इंतज़ार का वो आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। यानी राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम रिजल्ट डेट जारी हो चुकी है, कब आपका रिजल्ट जारी होगा। तो फाइनली यहाँ पर जनसत्ता जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान बीएसटीसी प्री डिलेड रिजल्ट 2024 आज जारी हो सकता है। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा का रिजल्ट जानी संभावित कट ऑफ के साथ काउंसलिंग प्रोसेस की जानकारी। तो यहाँ पर क्या आपका राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आज जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आप सभी को राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा रिजल्ट डेट से अवगत करवाएंगे और यहां पर क्या कट ऑफ रहेगी, यानी कितने नंबर, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से है, मेल फीमेल कैंडिडेट है, तो कितने नंबर पर आपको कॉलेज अलॉट होगी। तो बहुत सारे जो कॉमेंट आ रहे थे कि आखिरकार रिजल्ट कब जारी होगा, मेरे इतने नंबर है, इस कैटेगरी से हूं, मेल हूं, फीमेल हूं, कितने क्या मुझे यहां पर कॉलेज अलॉट होगी। तो यहां पर इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट अपडेट बताने वाला हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव, काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो फाइनली जनसत्ता वेबसाइट के द्वारा एक संभावना व्यक्त की गई है कि जो अपडेट चल रहा है आज, जो यहां पर रात तक जो यहां पर किसी भी समय यहां पर जो आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। यदि आपका रिजल्ट यहां पर आज जारी होता है तो यहां पर फाइनली काउंसलिंग प्रक्रिया भी बहुत ही जल्द यहां पर जो है यहां पर आपकी शुरू हो जाएगी। तो रिजल्ट को लेकर क्या ऑफिशियली क्या अपडेट है, तो VMOU के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो या तो आज जारी हो सकता है या फिर 16 जुलाई तक रिजल्ट है वो आप जारी, मतलब VMOU द्वारा जारी किया जा सकता है, ये अपडेट है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है जैसे आंसर की जारी हुई थी, आंसर की के नीचे कर नोट में लिखा गया था कि आपका जो परिणाम है बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। यानी अब 2 से 3 दिन में आपका जो रिजल्ट है, राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। यानी फाइनली जो आपका इंतजार है वो अब हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब कितने नंबर पर आपको कॉलेज अलॉट होगी, कैसे आप रिजल्ट को चेक करेंगे, क्या काउंसलिंग प्रक्रिया है, इस वीडियो में आप सभी को हम संपूर्ण अपडेट बताएंगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के रिजल्ट को कैसे हम चेक कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा की 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट है, pre-dlit-raj2024.in। ठीक है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सबसे पहले आसानी से रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर pre-dlit एग्जामिनेशन 2024 के सेक्शन में आपको जो सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, इसी में एक सेक्शन अपडेट होगा रिजल्ट 2024। जैसे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा आज या कल में, तो आपको रिजल्ट 2024 करके एक सेक्शन दिखाई देगा, उसी सेक्शन में आपको रिजल्ट, आप आसानी से रिजल्ट को क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। ठीक है, चेक करने के लिए रोल नंबर या आपकी जो जनरल जो इंफॉर्मेशन है उसके माध्यम से आप आसानी से जो यहां पर DOB नेम के द्वारा भी आप आसानी से रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आज या फिर कल में कभी भी जारी किया जा सकता है। जो भी अपडेट रहेगा, जब भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, हम आपको लाइव में रिजल्ट बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब क्या रहेगी कट ऑफ, यानी कितने नंबर पर आपको कॉलेज अलॉट होने वाली है, तो हम फाइनल आपको कैटेगरी वाइज आपको एक कट ऑफ, अनुमानित जो कट ऑफ है वो बता सकते हैं। तो अब की बार जो पेपर है उसका स्तर है वो एक नॉर्मल था, तो आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जा सकती है। लेकिन हम बात करें कि जनरल जो कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, ठीक है, MBC SC ST कैटेगरी में यदि हम कट ऑफ यानी मार्क्स को यदि डिवाइड करें, तो यहाँ पर यदि आपकी 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आप किसी भी कैटेगरी से, तो आपको फाइनल काउंसलिंग तक आपको 100% कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ठीक है, 400 प्लस मार्क्स है तो उनको आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रखनी है, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाएगी। बाकी जैसे ही रिजल्ट जारी होता है, फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होती है, हम आपको एक फाइनल कट ऑफ बता देंगे कि इतने नंबर तक आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स ऑल ऑफ।